गुरु जी मोए दियो भेद बताए और कैसे बिघन भयो भारत का। बेटा पढ़ो शिष्य पूछ रहा है अपने गुरु से, गुरु जी एक कारण क्या हुआ जो हम लोग आपस में अपने अपने विचारों से भिन्न हो गए, कोई बौद्ध बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया। बोला है शिष्य गुरु से, गुरु जी मोए दियो भेद बतलाए कैसे बिघन हुआ भारत का। बेटा एक बात सुनो, मते पूछे से हजारी आखिन से आंसू जारी, मते पूछे अगर तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें हम बताएं, मते पूछे से हजारी आखिन में आंसू जारी, मेरे बरसत दोनों नैन ऐसे बिघन भयो भारत का। तुम्हें हम बताएं कारण एक था उसमें क्या, भयो दुर्योधन अन्यायी जाने धर्म की रीति भुलाई, भयो दुर्यो बात ये है मेरे लाल भयो दुर्योधन अन्यायी पाने धर्म की रीति भुलाई, भयो लाला भाव फिर महाभारत संग्राम ऐसे बिघन भयो भारत का। महाभारत की युद्ध के बाद चक्रवर्ती राज्य की जो परंपरा थी मेरे शिष्य वो छूट गई, कारण उसमें हो गया। उसके बाद जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मजहब वैसा पंथ बना के हमारे देश में खड़ा किया। एक बात और शिष्य सुनो, जो छुआ छूत की बीमारी अंग्रेजन ने है डारी जात, मेरे शिष्य
अगर ये बात है तो छुआछूत का एजेंडा खड़ा किया गया है हम लोगों में, वो बिलियन हैंडर नाम की अंग्रेज और मैकोले और एक बिलियन फोर्स कमिश्नर, ये तीन अंग्रेज जर्नल ऐसे थे जिन्होंने भारत की न्याय पद्धति को और शिक्षा पद्धति को बदला। इन्होंने भारत में छुआछूत की बीमारी पैदा की और ब्राह्मणों की मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डाले हैं जिससे मनुस्मृति को झूठा साबित किया जा सके। ये छुआछूत की बीमारी अंग्रेजन ने है दारियन, भूले धर्म नीति को ज्ञान ऐसे विघ्न भयो भारत का, मेरे शिष्य। अब एक बात आ गई तो हम तुम्हें और बताते चलते हैं, क्या शास्त्रों की लिखी दुहाई झूठे मत की है गवाही, शास्त्रों की तुम्हारे ग्रंथों में ये लिखा है, तुम्हारे फलाने पुस्तक में ये मिलावट है, ये सब अंग्रेजों ने किया, हमारे ग्रंथों में विक्षेप डाले, हमारे धर्म शास्त्रों में अब शब्द लिखे हैं हम मानते हैं, और फिर वही कपट भरा हुआ इतिहास उनके पास में है, उसी से आज ये लोग हमारे शास्त्रीय लोगों पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं तुम्हें चुनौती है, तुम इस बात को साबित करो, तुम इस बात को शास्त्र करो। क्या तक करें, झूठन की लगी तुहाई अब सत्य की रीति भुलाई, झूठन की भूले धर्म रीति को ज्ञान ऐसे विघ्न भयो भारत का, बतलाई कैसे विघ्न भयो भाई।